रही हैं कि कांग्रेस का प्रचार करेंगी, तो किस तरह से देखते हैं जी हरियाणा का? अब कांग्रेस में अब ठुमके लगाने वाले जो हैं वही ठुमके लगाएंगे, ये तो उन्हें कोई देखना कि ठुमके लगाने की चुनाव लड़ना। करनाल से बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान, सिंगर सपना चौधरी को कहा ठुमके वाली, वहीं देखे सपना चौधरी क्यों जाना चाहती है कांग्रेस में करने वाली है। हम टाइम लेने आए, तो टाइम लिया है तो हम बहुत जल्दी मिलने आएंगे, मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से क्या मिलने की वजह क्या है? कुछ नहीं, मुझे पसंद है, हर चीज के पीछे वजह होनी जरूरी है, हर चीज के पीछे वजह होनी जरूरी है। अब कोई वजह थोड़ी आप मेरे पास आए, ये वजह नहीं है। सपना जी, क्या प्रचार करेंगे कांग्रेस पार्टी? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिन लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, कह रहे हैं? हाँ, और कोई से भी या सिर्फ हरियाणा में? नहीं, कहीं भी कर सकते। हाँ जी, बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, क्या करेंगे? सबकी अपनी अपनी पसंद है, आपकी पसंद। आप एक आर्टिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? नहीं, गाना कोई डेडिकेट नहीं करना चाहूँगी, बस ये कहना चाहूँगी लगे रहिए, हर एक की जिंदगी में बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी आता है, लेकिन जब अच्छा समय आता है तो उसको अच्छे से कैच और रागनी गायिका सपना चौधरी की कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात करने और चुनाव प्रचार की इच्छा जताने के बाद करनाल सीट से बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा के बोल बिगड़ गए और करनाल में मीडिया से बातचीत में बीजेपी सांसद चोपड़ा ने सपना चौधरी को ठुमके लगाने वाली कह डाला। अश्विनी चोपड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस में ठुमके लगाने वाले जो हैं वही ठुमके लगाएंगे, यह उनको देखना है कि ठुमके लगाने हैं या चुनाव जीतना है। हम आपको बता दें कि सपना चौधरी के राजनीति में आने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इन खबरों को हवा उस समय जब मिली जब वह शुक्रवार को कांग्रेस दफ्तर पहुंची, जो हाल ही में कांग्रेस में करने प्रचार के लिए आगे आई है कि कांग्रेस का प्रचार करेंगी, तो किस तरह से देखते हैं जी हरियाणा का? अब कांग्रेस में अब ठुमके लगाने वाले जो हैं वही ठुमके लगाएंगे, ये तो उन्हें कोई देखना है कि ठुमके लगाने हैं कि चुनाव लड़ना है।